Hi everyone, this is Ashish and you are watching E-Classes by Sitch Delal Academy, Rat. Hi everyone, now we are going to do 8 number question of exercise 9C. Determine the rate of interest at which a sum of money will become 216 upon 125 times the original amount in 1/2 years if the interest is compounded half yearly. तो देखिए कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें हाफ ईयरली वाला फार्मूला लगाना है और प्रिंसिपल इज़ नॉट गिवेन एज वेल एज अमाउंट इज़ ऑल्सो नॉट गिवेन, तो हमको दोनों कंसीडर करने होंगे। देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल को कंसीडर किया एज x, प्रिंसिपल को हमने x मान लिया, तो प्रिंसिपल अगर x है तो उसका 216 अपॉन 125 टाइम्स करने पर हमें अमाउंट मिलेगा। टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, तो अमाउंट हो गया हमारा 216x अपॉन 125। अब ये दोनों ही हमको इस अमाउंट वाले फॉर्मूले में पुटअप करने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 + r अपॉन 200 टू दी पावर 2n। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है ये हाफ ईयरली वाला लगा है क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमको हाफ ईयरली दिया गया था, तो इसी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब अमाउंट की वैल्यू को पुटअप किया 216x अपॉन 125, प्रिंसिपल की वैल्यू को पुटअप किया x, 1 + r अपॉन 200 टू दी पावर 2 इंटू 1/2 क्योंकि टाइम जो हमारा दिया गया है वो 1/2 ईयर्स दिया गया है। देखिए टाइम जब कैलकुलेट होगा तो कैलकुलेट होने के बाद जो 2 और 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं हर बार। यहाँ हमारा 3 बचता है, अब 3 यहाँ पे बच गया हमारा और यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 + r अपॉन 200 बिकॉज r की तो वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब हमको क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो नंबर आया है 216x अपॉन 125, इसमें जब x हमारा लेफ्ट साइड में आएगा तो x रिड्यूस हो जाएगा। यानी आप अगर सोच रहे होंगे कि x और r दो वेरिएबल हमारे यहाँ पे फंस जाएंगे और 2 वेरिएबल्स हमको सॉल्व करना अभी तक नहीं आता, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हर बार जब आप ऐसे प्रिंसिपल और ऐसे उसके बेस पर अमाउंट मानेंगे तो हमेशा वो रिड्यूस ही हो जाएगा, ये हमेशा का रहेगा। तो वो रिड्यूस हो गया यहाँ पे, अब हमारा केवल नंबर बचा और पूरी इक्वेशन में हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल बचा, दैट इज़ r। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 216 अपॉन 125 में एक ऐसा नंबर हमको ज़रूर मिलेगा ताकि राइट साइड पे जो पावर 3 है तो लेफ़्ट साइड भी बेस की पावर 3 मिले। तो ऐसा नंबर हमें मिला है 6 अपॉन 5। 6 की पावर 3 करते हैं तो आता है 216 और 5 की पावर 3 करते हैं तो आता है 125। तो 6 अपॉन 5 हमारा वो नंबर हुआ जिसकी पावर 3 करने पर हमको ये मिल जाएगा। अब देखिए पावर्स आर सेम, तो बेसिस को कंपेयर करना पड़ेगा। बेसिस यानी 1 + r अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो r अपॉन 200 ये 1 चला जाएगा सब्ट्रैक्शन में, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5, यानी r अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो r के वैल्यू निकालने के लिए 200 यहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 200 अपॉन 5 बनेगा और ये जब रिड्यूस होगा तो 40 आ जाएगा। देखिए r की वैल्यू यहाँ पे क्या आई हुई है, r की वैल्यू आई है 40%, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना था वो हमारा आ गया है 40% एंड इट विल बी अवर फाइनल आंसर। अब आप सोचिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा यहाँ पे लगाया गया है इस क्वेश्चन में।